हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि मैं अपने टेलीग्राम अकाउंट को लॉगिन कर रहा था, ठीक है। तो लॉगिन करते समय जो है एक मुझे बार बार ये नोटिफिकेशन मुझे मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से मैं अपने टेलीग्राम ऐप को लॉगिन नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर आपके पास भी इस तरीके का ये कोई नोटिफिकेशन आता है ना आपके मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर लॉगिन करते समय, तो आपको इसे कैसे यूज़ करना है और ये क्या बता रहा है इस नोटिफिकेशन के अंदर, ये मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो आप देख लीजिए, ये मेरा टेलीग्राम ऐप है, ठीक है। टेलीग्राम ऐप को मैं लॉगिन कर रहा था, यहाँ पर मैंने अपना कंट्री सेलेक्ट कर रखा है और मैंने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर सेलेक्ट कर रखा है। इसके बाद मैं इसे एरो के बटन पर इसे टैप करता हूँ ना, तो इसके बाद आपको ये कंफर्मेशन करेक्ट नंबर का चेक करना है, आपको यस कर देना है। यस करता हूँ तो यहाँ पर ये देखिए इस तरीके से बार बार ये नोटिफिकेशन सा आ जाता है, मतलब ये पॉपअप आ जाता है, ठीक है। तो देखिए इसमें लिखा हुआ है कि यू आर यूजिंग द ओल्ड, वो यहाँ पे लिखा हुआ है यू आर यूजिंग एन आउटडेटेड ऐप, ठीक है, यानी कि आप जो है आउटडेट ऐप को यूज कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज नो लॉन्गर सपोर्टेड, आगे के ज़्यादा लंबे समय के लिए सपोर्ट नहीं करेगा ये वाला ऐप, ठीक है। टू एक्सेस योर मैसेज प्लीज़ अपडेट योर ऐप टू द लेटेस्ट वर्जन, इफ़ यू डोंट नो हाउ टू अपडेट योर ऐप गो टू इस लिंक पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना आपको अगर नहीं पता है कि आप अपने ऐप को कैसे अपडेट करेंगे, तो आपको जो है ना एक वेबसाइट दे रखी है, इस वेबसाइट पे जाके भी आप अपने ऐप को अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप जो है ना अपडेट वेबसाइट पे जाने की जरूरत नहीं है, आप अपने प्ले स्टोर के जरिए भी अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। अभी के लिए हम जो है इसे ओके कर देते हैं, ओके कर देते हैं। अब हम इसे जो है ना एरो के बटन पर हम इसे एक बार लॉग इन करके देखता हूँ इसे फिर से, तो ये देखिए बार बार आ जा रहा है जिसकी वजह से लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको अपने प्ले स्टोर में जाना है, ठीक है। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ही छोड़ते हैं अब, तो हम यहाँ पर ये प्ले स्टोर ओपन करना है अपने, ठीक है। प्ले स्टोर में आपको है ना सबसे ऊपर ये सर्च बार में आपको टाइप करना है टेलीग्राम, ठीक है। जो ऐप का नेम है आपको डाल देना है यहाँ पर टेलीग्राम, तो आपको जो है ना नीचे की साइड ये सर्च कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये अपडेट दिखा रहा है हमारा ये अपडेट एप्लीकेशन, ठीक है। अपडेट कर लेना है इसे अपडेट के ऑप्शन पे सिलेक्ट करके, ठीक है, अगर अपडेट आपके भी लिखा हुआ है तो, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना डेफिनेटली हमारी प्रॉब्लम जो है ये वाली हमारी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है, 100% सॉल्व हो जाएगी, मुझे तो यही लग रहा है। क्योंकि उसने जो है नोटिफिकेशन में ऐप को अपडेट करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि ये मैं अपना पुराना ओल्ड वर्जन इसे जो है यूज़ कर रहा था, काफ़ी समय से मैंने इसको अपडेट भी नहीं किया था। तो देखते हैं अभी हमारा ये मोबाइल फ़ोन लॉगिन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, मतलब टेलीग्राम ऐप पूरी तरीके से लॉगिन हो पाता है नहीं हो पाता है, अभी हम देख लेते हैं। अब मैं इसे फिर से ओपन करता हूँ। अब यहाँ पर जो है ना दोस्तों, अब मैं इसे जो है स्टार्ट मैसेजिंग पे करता हूँ। अब ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर और ये कंट्री कोड है, अब मैं इसे एरो के बटन पर दबाता हूँ। देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो है ये पूरी तरीके से लॉगिन हो पाता है कि नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर ये तीन ये जो कॉलिंग आती है, ठीक है, कॉलिंग को आपको ना तो एक्सेप्ट करना है ना रिसीव करना है। ये तो यहाँ पर जो है ना मैंने इसको है ना आंसर दे दिया था, ठीक है, मतलब मैंने रिसीव कर लिया था कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ना देखते हैं हमारा ये टेलीग्राम ऐप पूरी तरीके से ओपन हो पाता है नहीं हो पाता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी भी ये जो है चल रहा है, डोंट एक्सेप्ट द कॉल इसने यहाँ पर लिखा हुआ भी है, लेकिन मैंने एक्सेप्ट कर लिया था कॉल को। तो यहाँ पर जो है ना आपको मैं फिर से जो है इसे दोबारा से वेरिफिकेशन के लिए इसे कर लेता हूँ, इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। तो यहाँ पर जो इनकमिंग कॉल आया था ना, ये हमारे टेलीग्राम ऐप की तरफ से आता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको कॉल को एक्सेप्ट नहीं करना है, ना ही आपको डिक्लाइन करना है, ठीक है। आपको जो है ना एक्सेप्ट भी नहीं करना है, ना ही डिक्लाइन करना है। आपका टेलीग्राम जो है ना वो प्रोसेस जो है ऑटोमेटिकली सब कुछ कर लेता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसे एक्सेप्ट कर लिया था। अब देखते हैं कि ये टाइमिंग यहाँ पे रिक्वेस्ट की ख़त्म होने वाली है, काउंटिंग ये ओवर होती जा रही है। देखते हैं मेरा ये अकाउंट जो है लॉगिन हो पाता है सक्सेसफुली नहीं हो पाता है। यहाँ पर मैं ये बीच में ही अटक गया हूँ, ठीक है। तो पहले तो नोटिफिकेशन का वो प्रॉब्लम आ रहा था, आउट ऑफ डेट बता रहा था मेरे एप्लीकेशन को। अब यहाँ पर ये लॉगिन होने में थोड़ा सा प्रॉब्लम ले रहा है। एक बार ये काउंटिंग खत्म हो जाए, देखते हैं फिर यहाँ पर क्या इसका सॉल्यूशन यहाँ पर निकलता है, ठीक है। तो हमारी यहाँ पर ये काउंटिंग खत्म होने वाली है, देखते हैं हमारा लॉगिन होता है नहीं होता टेलीग्राम ऐप। तो यहाँ पर ये अभी भी लॉगिन नहीं हुआ है, ठीक है, आगे प्रोसेस नहीं बढ़ पाया है। अब मैं इसे बैक कर लेता हूँ, ठीक है, इसे मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ से। देखिए बैक भी नहीं हो रहा है ये यहाँ से, ठीक है। तो अब मैं इसे जो है ना गेट द वीआ कोड SMS इस पर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो देखते हैं यहाँ पर अब ये होता क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी प्रोसेसिंग में अभी कुछ चल रहा है। अब देखिए कोड आएगा मेरे मैसेज पे, ठीक है, SMS के जरिए। तो यहाँ पर आपको जो है ना टेक्स्ट मैसेज में यहाँ पे चेक कर लेना है, इसके अंदर चेक करना है आपका एक कोड आएगा, देखिए 3144 23, ये जो कोड है ना मैं यहाँ पर डाल देता हूँ।
तो ये ऑटोमेटिक ये जो है ना कोड एक्सेप्ट कर लिया इसने ऑटोमेटिक, ठीक है, मुझे डालने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो यहाँ पर इस तरीके से ये जो है हमारा टेलीग्राम ऐप जो है लॉगिन हो चुका है सक्सेसफुली। जो वो प्रॉब्लम आ रही थी ना टेलीग्राम की, वो हमारी सॉल्व हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आप अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं।